किसान साथियों नमस्कार। मैं आज एक गांव है जनाना, राजस्थान में, ये भादरा तहसील में है और ये बिल्कुल हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है और मैं फाजिलका विनोद सिहाग जी तो उनके यहाँ से आया हुआ था। तो ये एक फार्म है यहाँ पर इनका, चौधरी देवीलाल सहारन फार्म। तो एक लड़का है नरेश कुमार जाट, लिखता है सहारन है वो। तो 2.5 साल पहले मैं एक बाग में आया था और इन्होंने किसी एक कंपनी ने, जो बरेली की कंपनी थी, उन्हें हिसार सफ़ेदा कहकर अमरूद दिए थे। तो जब मैं 2.5 साल पहले आया था तो मैंने इनको बताया था कि आप इस बाग को उखाड़ दो, ये हिसार सफ़ेदा नहीं है, इसमें 90% से ज़्यादा पेड़ जो हैं मिक्स है। और उनके फलों का भी पता चल गया था, तब ये 1 साल पुराना था, फल भी विचित्र टाइप के फल आते थे। तो इन्होंने अपने पिताजी से डिस्कस किया और बताया कि ये तो बहुत मुश्किल है काम जो है ना। और मैंने कहा, मन में ये भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आए हैं, पैसे के पैसे ले गए, बाग उखाड़ने को कह गए, कोई बात नहीं। आज फिर अभी 2 दिन पहले मेरे पास इनका फ़ोन आया था कि डॉक्टर साहब एक बार ज़रूर आओ, तो मैं फाजिलका आया हुआ था, इनके बाग पर आया हूँ। अब इनकी कहानी इनके मुख से मैं केवल इसलिए सुनवा रहा हूँ कि आप भी कहीं इस स्वप्न का शिकार न हो कि आप बहुत जल्दी बाग लगाकर करोड़पति या लखपति बनेंगे। आइए मिलते हैं। नरेश जी, आपका स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। अब आपके साथ क्या हुआ वो किसानों को बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम नरेश कुमार सुनोप श्री देवीलाल सहारन जाति जाट, भादरा तहसील, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। मेरे साथ में बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है। एक बरेली की कंपनी आई थी श्री कृष्णा बायोप्लांटिक नाम की, वो लोग हमारे पास आए, उन लोगों ने हमारे को कहा कि आप बाग लगाओ, बहुत ही बढ़िया पेड़ पौधे देंगे, इस हार्स पैदा वैरायटी बताकर हमारे को 10x10 पर पेड़ लगवा दिए और चारों साइड में 4 एकड़ के नींबू लगवा दिए 5x5 पर। हमारे को किसी बात का पता नहीं था कि कितने बाई कितने पर होना चाहिए। उन्होंने पैसे के चक्कर में हमारे को बर्बाद कर दिया। अब एक भी हमारे पेड़ पौधों में हिसार सफेदा नहीं है, 8 या 10 प्रकार की वैरायटी है, मार्केटिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और हमारे भी बहुत बड़ा लॉस हो गया। 8-10 प्रकार की वैरायटी है सर, अब इनकी मार्केटिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हिसार सफेदा 40 रुपये बिकेगा लेकिन ये 7 रुपये किलो बिकेगा। अच्छा नरेश जी, ये बताइए कितने एकड़ में लगाया था ये बाग आपने? ये सर 20 कनाल जमीन है, 2.5 एकड़ हो गया। इसका मतलब 1 एकड़ में 10x10 पर 450 पौधे लगते हैं। हाँ। करीब 1000 पौधे लगाए आपने? 1000 पौधे सर। और नींबू के, और कितने का पौधा था ये? ये 130 रुपए का एक पौधा, 130 रुपए का, और 1100 पौधे हो गए, 1200 पौधे हो गए, लगभग 1.5 लाख के आपको पौधे बेचे, 1,95,000 रुपए, 1,95,000 के पौधे नींबू समेत बेचे थे। किसान साथियों, जैसा मैं बताता हूं कि पौधे कितने महंगे हैं, मैं कभी इसकी डिस्कस नहीं करता। मैं भी पौधे बेचता हूं, आप 100 रुपये पौधा महंगा बेचते हो, 50 बेचते हो, बेचिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी के साथ ये धोखा करना कि वो वैरायटी कुछ और बताई और वो वैरायटी कुछ और लगे, पहली चीज़ ये है। और दूसरा ये करना कि उसे गलत सघनता पे बताएं कि हाई डेंसिटी पे लगेंगे, उसके बारे में कोई ज्ञान न दे, तो ये बहुत गलत है। इसे मैं चीटिंग मानता हूं और धोखा मानता हूं, और इसके लिए मैं कुछ ना हद तक किसानों को भी जिम्मेदार मानता हूं कि वे बहुत जल्दी, जो मैं गणित बताते हैं कि एक पौधे से इतना किलो मिलेगा, 1 साल बाद इतना होगा, 2 साल बाद इतना होगा, उसमें आ जाते हैं, स्वप्न में जीते हैं। तो सर वे भी दोषी हैं। तो आपने मुझे कब बुलाया था पहली बार? मैंने बुलाया सर, मेरे को लगभग 1 साल हो गया था बाग लगाए हुए। हाँ, नहीं, अब से लगभग मेरा याद है 2.5 साल पहले। ढाई साल पहले बुलाया था। मैंने क्या बताया था उस समय? आपने उस समय बताया था सर कि ये हिसार सफेदा नहीं है, इनमें से आप
सब पेड़ों के बीच में एक एक हिसार सफेदिया का प्लांट लगा दो, यदि आपको सही रहना है तो। हाँ। हमने क्या है सोचा कि पहले से पैसे लगे हुए हैं तो अब बार बार पैसे कहाँ से लेकर आए, हमने इनको रख लिया और हिसार सफेदा लगाया नहीं। अब सर इनमें से हमने 400 प्लांट तो निकाल दिए, जो ज्यादा टेढ़े मेढे फल थे वो तो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो तो हमने निकाल दिए, ये गड्ढे रहे यहाँ पर सभी जगह। आप ये देखो आप इन गड्ढों में से सभी प्लांट जो टेढ़े मेढे फल थे, जो 10 प्रकार की वैरायटी, वो तो निकाल दिए। आप देखिए किसान को कितना दुख होता होगा कि वो एक पले पलाए पेड़ को निकाल दे और ये देखिए इस समय कोई भी फल नहीं है इसके ऊपर। ये देखिए आप भी देख रहे होंगे हिसार सफेदा नहीं है, ये देखिए। अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद में? अब सर हमने तो आपको फिर दोबारा से बुलाया है कि आप देखो क्या करना है क्या नहीं। नहीं अभी तक कितनी पैदावार ली है? पैदावार कुछ नहीं है सर, हमारा खाद दुआई का खर्चा होता है पूरा और लेबर तो हम ज्यादा लगाते नहीं है, घर के काम करते हैं इसके अंदर, वरना लेबर। किसान साथियों ये एक फैमिली ऐसी देखी है मैंने, इनके खेत बहुत साफ सुथरे हैं और ये नरेश है, ये इनके पिताजी हैं चौधरी देवीलाल, यहीं पर रहते हैं, यहीं हुक्का पीते हैं, मुझे अभी चाय बनाकर पिलवाएंगे यहीं पर। और नरेश की जो पत्नी है मैंने देखा है कि वो भी यहाँ पर काम करती है, बहुत ही मेहनती है। और कितनी जमीन है तुम्हारे पास में नरेश? जमीन तो सर 50 किलो के करीब। 50 किले जमीन है और इसमें से इसने काफी जमीन खरीदी है मेहनत करके। एक बार दादी जी सरपंच रह चुकी है। हाँ वो रह चुकी है और मैंने पहला किसान देखा कि इतनी कम उसमें, जो पिछली बार एक बार मैं आया था तो इसने 4-5 किले का वो कराया था, शायद बनामा कराया था। केवल जमीन की ही आमदनी से ये इतना मेहनती लड़का है और ये परिवार इतना मेहनती है, इसके पिताजी हमेशा यहाँ पर रहते हैं, तो कितना दुख हुआ होगा इनको। हाँ जी चौधरी साहब आप बताओ, अब जब मैं आया था 2.5 साल पहले मैंने सलाह दी थी तो आपने मेरी बात नहीं मानी थी, अब क्या लगा, कैसा लगा उसको? क्या मैं सही था उस टाइम? सही थे तो हाँ, बिल्कुल सही आ। हाँ जानकारी को नहीं मानो तो अब इन्होंने कहा नहीं त्यागी जी को ही बुलाओ, जो भी उनकी फीस होगी हम देंगे। और मैं 200 किलोमीटर ट्रेवल कर आया हूँ और ये मेरे जो साथी हैं जो किसान हैं फाजिलका के, जिनके यहाँ मैं आता हूँ विनोद सिहाग जी, तो इनके यहाँ ठहरा हुआ था और सुबह हम चले थे 6:30 बजे, अब आए हैं इतने 200 किलोमीटर ट्रेवल कर हम आए हैं यहाँ पर। और बताओ मतलब आपको अब क्या आप कहना चाहेंगे किसानों के लिए? इस सर ये कहना चाहेंगे वो प्लांट कहीं से लो लेकिन पूरा जान पहचान का आदमी हो, बढ़िया नर्सरी हो, वहीं से प्लांट लें, किसी अदर लोगों से कोई परिचित न हो उनसे प्लांट न ले लें, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे को भी कम से कम 20-30 लाख रुपए का लॉस मानते हैं हम प्रेजेंट के अंदर। अच्छा नरेश ये बताओ जो तुम मुख्य खेती किसकी करते हो? एक तो कॉटन करते हो? कॉटन करते हैं। और गेहूं करते हैं? गेहूं करते हैं। सरसों, गुआर, बाजरा, मूंग। अच्छा एवरेज एक किले से, किला बोलते हैं ना यहाँ पर, बीघा 5 कनाल का है, 5 कनाल का बीघा और 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है, ठीक है? ये राजस्थान में 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है। हाँ सर। तो 1 बीघे में एक साल में कितनी बचत होती है? बचत एवरेज सर 45 मन किले की तो गेहूं निकाली है इसी खेत से हमने। अच्छा आप हिसाब लगाओ चौधरी साहब। हाँ। 25 मन किले की एक साल के अंदर? हाँ, एक साल के अंदर। अच्छा 25 मन किले की इसके अंदर से नरमा, जिसको कपास बोलते हैं, 10 क्विंटल नरमा निकाला है एक बीघे के अंदर। अच्छा एक किले के अंदर से। अच्छा 5 कनाल का किला होता है हमारा। तो दो फसल हुई साल दो में? दो फसल हुई साल। कितना हो गया जी दो फसल का? ये इसका दो फसल का सर इसमें अलग अलग वेरी करता है इसमें। हाँ। ये एवरेज लगा लो एक छोटा मोटा कॉटन जो 10 क्विंटल हुई, 10 क्विंटल कॉटन हुआ, कितने का हुआ? साल नहीं होता सर। अच्छा चलो मान लो हम एक यही मान लेते हैं एक साल मतलब होता है। हाँ, तो जब 10 क्विंटल है, 10 क्विंटल में से सर 4 क्विंटल तो खर्चा निकल जाता है, 6 क्विंटल बचता है। नहीं 10 क्विंटल कितने की हुई होगी? 10 क्विंटल हुई होगी। कितने की बेची थी? 50,000 का हुआ होगा। 50,000 का ये हो गया। और कणक जो बोल रही थी 18 क्विंटल है तो 2,000 के हिसाब से बिकी है। हाँ 36,000 का गेहूँ होगी। हाँ तो 50 कितना हो गया? 85,000 हो गया एक उसमें किले में, एक बीघे में 85,000 हो गया। तो आधा और कर लो तो
लगभग 130 हम मान के चले एक एकड़ में, एक एकड़ में 85 और 40 130 के करीब मान के चलो, 120 मान लो, कितना खर्चा होता होगा इसमें, कितना होता है तो 40,000 खर्चा कर लो तो 80,000 पर किल्ला बचता है, लेकिन बचता। हर साल नहीं बचता, हर साल नहीं, हर किसी अच्छा। की जमीन में भी नहीं, हर किसी की जमीन में भी नहीं बचता, नहीं सारे 50 बीघे में ये नहीं सारा हो सकता, इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, कॉटन होता है तो हम एवरेज कितना मान कर चला, एवरेज सर बीघे में 30,000 की आमदन आती है साल में, साल में बीघे में 30,000 आती है, मतलब अपनी मजदूरी सब खर्चा सब निकाल के 30,000 से ऊपर आमदन नहीं आती, तो मतलब एकड़ में वो 45,000 हो गया, 50,000 मान लो एक एकड़ में, वो तो इसको इसमें जो 2.5 एकड़ था इसका तो कुल मिला के 1.25 लाख का इसको नुकसान हो, हर साल नुकसान इस जमीन के अंदर ज्यादा है हमारे, ये सबसे बढ़िया जमीन है। अच्छा तुम्हें जब ये लगाया 2.5 एकड़ में इतनी उस पर, तब क्या बताया था कितना फायदा होगा, हमारे को सर ये बताया था कि नींबू पर 1.5 साल बाद में 5 किलो फल आएगा और 2.5 साल बाद में 10 किलो फल आएगा और 25 किलो फल आ जाएगा 3 साल में। अच्छा, तो ऐसे करके हमने क्या है, और ये बीजू पौधे थे, बीजू पौधे थे और इनके, जबकि बीजू पौधे में 3 साल के बाद ही फल आना शुरू होता है, 5 साल में शुरू बताते हैं हम। अच्छा, आप आए थे, आपने बताया थे कि ये तो बीजू 5x5 पे लगवाए, देखिए मैं 20x20 मैंने इसको कहा था इन्हें उखाड़ दो, तो अभी मैं दिखाऊंगा उनको जो है ना इसने निकाले हुए हैं, 10-10 फीट पे हैं, तो मैंने कहा एक एक और निकालो, और अमरूद में कितना बताया था उन्होंने, अमरूद में सर बहुत ज्यादा बताया था कि 1-2 साल बाद में 50-70 किलो के लगभग एक पर प्लांट आपको उस मिलेगी, और मिली नहीं है, 10 केजी की पर प्लांट है नहीं, 4 साल के अंदर 4 साल। ये देखिए किसान साथियों, ये पेड़ बिल्कुल अलग है, अलग वैरायटी का है, ये बिल्कुल दूसरे दूसरी वैरायटी है, आप देखिए इसके पत्ते थोड़े मुड़े हुए हैं, ये इनसे भी अलग है सर, और ये देखिए ये पेड़ हाइट देखो इन, और ये पेड़ जो है ना गुट्टी वाले थे, मैंने इनको बताया था ये ग्राफ्ट वाले नहीं थे, ये देखिए ये देखो, ये देखिए जमीन में लगा रखे, ये देखिए, और ये देखिए इनके फलों का आकार, ये देखिए ये हालत है, ये देखिए पहले बार जब इनको ऐसे फल आए तो इन्होंने उससे पूछा, तो उसने बताया था जब मैं आया कि जी वो ये कह रहा है जब अच्छी तरह फल आएंगे तो साइज ठीक हो जाएगा, ये है इस टाइम फाइल का, ये और इनका देखो सर, और पेड़ों का स्वास्थ्य देखो, इनका देखो सर, जमीन देखो, ये और ये टाइप का है, एक पेड़ पे 3 प्रकार के फल लगते हैं, और ये देखे एक एक ये है, हाँ एक ये एक ये एक देखो ये पेड़ फल फल एक ही पेड़, हाँ ये देखिए इस पे एक भी फल है ही नहीं, इस पे कोई भी फल नहीं है, ये देखिए किसान साथियों, मैंने कई बार, एक बार पहले भी एक वीडियो चलाई थी पपीते की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बीच में बंद कर दी थी, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन था उसमें कुछ समस्या थी तो मुझे बंद करनी पड़ी थी, कितना बड़ा है फल है, नहीं ये देखिए ये फल है बस, इस पर इतने बड़े पेड़ पे 4-5 फल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई अर्थ नहीं होता, मैंने गंगानगर में देखा है कि डायना का 400 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और बाद में 90 रुपये किलो उनसे लिया था, चलो लिया था उसमें भी फायदा हुआ उनका, और ये इन्होंने बीच में से निकाल कर ताइवान पिंक के पौधे लगाए हैं कुछ हिसाब जो कि ये पूरी तरह से बीमार पौधे हैं, ये देखिए ये पोटास की कमी है इनमें, इसमें नीचे भी कोई समस्या है, चूँकि देखिए ये जो है ना ये ग्रोथ रुक गई है यहाँ पर, ये मुख्य कारण होता है, किसी भी टहनी में आप देखोगे ये ग्रोथ खत्म हो गई है, ये देखिए किसी भी टहनी में देख लीजिए, तो अब देखेंगे इसकी जड़ों में क्या समस्या है, देखिए सब ग्रोथ रुक गई है और इतना फल नहीं है जितना, और ऐसा स्वास्थ्य नहीं है जो मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें दिखाया है। तो किसान साथियों कभी भी इस चर्चा में न पड़े और किसी अच्छे सलाहकार से सलाह अवश्य ले। हिसार सफेदा लगाए, ये हिसार सफेदे का पेड़ है जो बाद में लगा, देखे कितने फल हैं इसमें, और ये 1 साल का पौधा, ये इसकी बढ़वार देखिए, देखिए 1 साल में इतनी ग्रोथ है, इतनी मेहनत है इसकी ना। कभी भी अगर कोई प्रपोजल आपके पास लाखों की आमदनी का आता है, या जो वीडियो में दिखाते हैं ये किसान ऐसा कर रहा है इसे इतनी आमदनी हो रही है,
तो आमदनी एक्चुअली होती भी है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली उसकी जमीन कैसी है, दूसरी उसका मॉडल क्या है, उसका पानी कैसा है और उसके यहाँ वातावरण कैसा है। जरूरी नहीं है जो राजस्थान में नागौर में हो या उधर आप जयपुर की तरफ जो चले जाएं सीकर में हो, वही मौसम वही जमीन वही यहाँ होगी। तो कहीं दूसरे का मॉडल आप कभी ना अपनाएं, अपने यहाँ के DHO के पास जाएं, कृषि अधिकारी के पास जाएं, उनसे केवल इतना पूछें क्या इसकी खेती या बागवानी हमारे यहाँ संभव है। अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर कैसे, जैसे अमेजिंग किसान से बात करते हैं, या आपका जो भी कोई सलाहकार हो, सही सलाह देता हो, उससे बात करिए कि मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे इतनी दूरी पर बताया है नींबू वाला, भले ही उसके लिए कुछ खर्च करना पड़े लेकिन बाद में आपको फायदा होगा, नरेश की तरह पछतावा नहीं होगा। ये मैंने कई किसानों को नींबू की देखा है। आइए मैं अब आपको इसके दिखाता हूँ नींबू। इनके बीच की दूरी इस समय जो है आप देखिए 10 फीट है, और पहले ये 5 फीट पर थे। ये देखिए एक यहाँ से निकाल दिया। उस समय मैंने कहा था कि तुम एक नहीं दो दो पेड़ निकालो, अभी भी ये 10 फुट पर हैं, और मैंने इसको कहा है कि अभी भी समय है एक एक पेड़ और निकाल दो, क्योंकि ये फैलेंगे और ये 4 साल के हो गए। देखिए कुछ नींबू भी आए हैं, हालांकि सभी नींबू में रोग है या कैंकर है जो मैंने बताया था। ये देखिए ये नींबू है, कागजी नींबू है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए फुल ऑफ कैंकर है, इसका बाजार में कोई भाव नहीं मिलेगा, बहुत कम भाव मिलेगा। अगर इसका भाव 80 रुपये होगा तो इसका भाव 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा कोई भी। ये देखिए कैंकर है, और ये कटिंग का भी परिणाम है कि जो आपका नींबू है वो कटिंग नहीं लाइक करता कभी भी। तो देखिए पूरा इसमें कैंकर आया हुआ है, उससे पहले लीफ माइनर था, और देखिए ये फुल ऑफ कैंकर है। ये मैंने देखते ही कह दिया था ये, और जिसकी मैं के वीडियो में अच्छी तरह बता चुका हूँ। ये देखिए कितना कैंकर है, हर पत्ती पर कैंकर। ये देखिए ये देखिए किसान साथियों, मैं तभी कहता हूँ कि बहुत बड़ी मतलब रकम नहीं है 2360 रुपये जो मैं बताता हूँ। जब भी जरा सी समस्या हो हमारे ग्रुप में पूछिए, बने रहिए, उसके नोट्स बनाइए, और कम से कम 2-3 साल तक उसके सदस्य अवश्य बने। तो आपको जो दूसरे किसान करते हैं उससे भी सहायता मिलेगी, और इस प्रकार का धोखाधड़ी नहीं होगा, और इस प्रकार की बीमारी से बचेंगे पौधों में। ये देखिए कितना कैंकर है, इससे कभी भी ये नुकसान नहीं। मिस्त्री ये एक्चुअली जो है उष्ण कटिबंधीय, जैसे कहते हैं ना हम के जैसे शुष्क इलाके का पौधा होता है, तो ये तो राजस्थान का इलाका है, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा। अभी बारिश भी ज़्यादा नहीं होगी, तो नरेश को क्या करना है, इनमें ताव लगाना है, अच्छा खाद देना है जो मैं बताऊंगा इसको, और हस्त बाहर की इसको फसल मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि ये अभी एक एक पेड़ और हटाने के मूड में है, क्योंकि अभी थोड़ा और नुकसान होगा तो बाद में सोचिए। मेरा ये वीडियो दिखाने का पर्पज ये था, इसकी कमी नहीं बताना था, ये बताना है आप लोगों को कि इस बात से कुछ शिक्षा लीजिए और अपने को सावधान रखिए। आइए मैं इस नींबू में एक चीज और दिखाता हूं जो मुझे अभी दिखाई दे। ये देखे नरेश को नहीं पता है कि ये शूट है, ये वाले बड़े कांटे होते हैं, बिल्कुल सीधी चलती है ऊपर को, और इसको हटाना चाहिए, इसको भी हटाना चाहिए, इसको भी हटाना चाहिए, एक वो है उधर भी हटाना चाहिए, एक ये भी हटाना चाहिए। अगर इन्हें हटा दो तो आपका पौधा क्या रह जाएगा, ये असली पौधा नहीं है। तो इसे लग रहा है कि बहुत बढ़वार हो रही है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसी प्रकार उस भी पौधे में देखिए। तो अगर ये सब मैंने वीडियो में कई बार बताई है, लेकिन लोग स्किप कर लेते हैं, मेरे मतलब का नहीं है। अगर उसे अच्छी तरह पूरी देखकर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए इसमें ये कितनी सूट्स हैं इनके, तो ये जो बढ़वार है ये उतनी पैदावार नहीं देगी जितनी देनी चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी, नीचे से ही निकली थी, इसको नहीं पता था, नीचे से देखिए सूट को। ये देखिए
कुछ और कहना चाहोगे अपने किसान भाइयों को? मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, पूरा कहीं से भी प्लांट लो, लेकिन पूरा परिचित से लो, जिसका पर पूरा विश्वास हो, वरना किसी नर्सरी वाले से, जैसे मैंने लिया है बरेली वालों से, अब पता नहीं कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। जो घूमने वाले हैं उनसे नहीं लेना चाहिए, घूमने वाले हैं उनसे कभी प्लांट नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का बस यही तात्पर्य है। चौधरी साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या मैं तो जानकारी ही को नहीं, ले लिया नहीं। उन्हें दूसरे किसानों को क्या बताना चाहेंगे आप, जो आपके साथ हुआ उससे? मैं तो ही कहा भाई बैंगनों ना लियो, घूमन फिरने वाला आदमी हो, बैंगनों लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, तो बाद में आपने उनको फोन किया था? उनको फोन किया था सर, एक दो बार फोन उठाया, अब उन्होंने नंबर चेंज कर लिया, कोई नंबर नहीं मिल रहा है सभी का। अच्छा, और जो एक डेढ़ साल यहाँ पर घूमे भी थे, अच्छा, और जब तक फल नहीं आया हमारे को पता नहीं था, हमने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, फल आएगा तब ये तो यहीं रहेंगे। दो साल तक रिप्लेसमेंट के लिए बोला था, अब एक दो बार कोई 5-10 पौधे डैमेज हुए, वो हमारे को लाकर दे दिया, पता नहीं कौन से कहाँ से लेकर आते थे, वो तो हमारे को पता नहीं है। इस हार्स पैदा कोई है नहीं यहाँ पर, 10 प्रकार की वैरायटी है, तो हमने तो उखाड़ दिए। अभी तो इनमें से 400 प्लांट निकाल दिए, जो आप तो अब आए हैं तो आपको नहीं पता, टेढ़े मेढ़े बिल्कुल फलते, मार्केटिंग हो नहीं रही थी, वो 400 प्लांट हमने निकाल दिए। अगर उस टाइम मैंने बताया था कि 20x20 पर जो पौधा आता है, बिल्कुल सर, अब मुझे याद आ रहा है कि 20x20 पर जो पौधा आता है, हाँ सर, वहाँ निकाल कर दूसरे पौधे लगा दो। बहुत आपने बोला था, लेकिन हमने तो नया बाग लगाया था, हमने ये सोचा पैसे कहाँ से, बहुत मुश्किल होता। चौधरी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी इस आप बीती पर, या किसान साथियों के, या अब तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपको भी 3 साल हो गए? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लेते हैं तो कोई जो है प्रमाणिक संस्था से लीजिए, या जो बहुत बढ़िया प्लांट्स जो है आपके एरिया के अंदर घूमिए, चाहे यूनिवर्सिटी जाइए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ से लीजिए, या जो अच्छी रेपुटेड नर्सरियाँ हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उनसे लीजिए और बिल समेत लीजिए, तो वो आप जो है धोखा धड़ी के शिकार ना हो। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो आई के पौधे सही जगह से नहीं आए, नहीं आए, दूसरी जो दूरी पर लगवाए वो सही नहीं थे, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सर अब 10x10 का तो मॉडल जो है उसमें आमदनी इतनी नहीं हो सकती, उसमें कटिंग और देखभाल बहुत ज्यादा होती है, तो एक निश्चित दूरी पे ही पौधे लगाए जाएं, जैसे 18x18 या 15x15, उससे नजदीक पौधे ना लगाएं, क्यों उनमें फिर ना हवा लगेगी और ना धूप लगती है, काम भी ज्यादा होता और मेहनत बहुत ज्यादा होती है और उतना प्रोडक्शन जो है उत्पादन नहीं हो पाता, तो इसलिए एक जो पुरानी व्यवस्था थी 18x18 या 15x15 उसी पे रहें और उसे में बहुत अच्छा जो है उत्पादन लिया जा सकता है। किसान साथियों दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं कि एक तो किसी अच्छी नर्सरी से और या घुमंती वालों से तो बिल्कुल ना लें, और दूसरा पौधों की सही दूरी रखें, आसपास के बागों में घूमें, अच्छी तरह करें, कोई भी है यहाँ पर 10 रुपए महंगे सस्ते का सवाल नहीं है। और तीसरा मैं एक अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी संशय हो तो उसके दो तरह से निवारण कर सकते हैं हम आपको। आप अगर हमसे फ़ोन पर सारी जानकारी लेने चाहते हैं, उसमें समय लगता है, हमें बहुत बातें पूछनी पड़ती है, हम उसके लिए फीस चार्ज करते हैं, आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप अमेजिंग किसान फार्म पर आएं, समय लेकर आपका पूरा स्वागत होगा, आपका घर है वह, आधा दिन बिताइए, पूरा दिन बिताइए, आधा घंटा बिताइए, वहाँ पर कोई शुल्क नहीं है और आपका पूरा सत्कार होगा और पूरी जानकारी दी जाएगी। पौधे इसी के साथ विदा लेता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।